आजकल का बच्चा बता देगा कि ये साजिश है। हम कोई पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन ये जो तेजस्वी जी के साथ हो रहा है ये कहीं से सही नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। ये पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकासपुर क्या से क्या कर दिए हमारे बिहार को। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए द गोल्डन मैन ऑफ द बिहार हैं, सोने से हमेशा लदे हुए रहते हैं और सियासी रूप से भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, और ख़ासकर तेजस्वी यादव के मुझे हमेशा ये लगा है कि ये सपोर्ट करते हैं और सपोर्टर भी हैं। जिस तरीके से लालू परिवार पे सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। हम कोई पार्टी से नहीं हैं, कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन ये जो तेजस्वी जी के साथ हो रहा है ये कहीं से सही नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। इनको क्या पता है कि मैंने पहले क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो कोई राजनीतिक है ही नहीं, ये राजनीतिक है ही नहीं, ये साजिश है। आप मानते हैं कि साजिश के तहत? एकदम ये तो एक आजकल का बच्चा बता देगा कि ये साजिश है, ये साजिश है, ये कहीं से सही नहीं है। ये आप बिहार की सड़कों पर ही हमेशा घूमते हैं, सोना पहनकर घूमते हैं, क्या माइंड रीड कर पा रहे हैं? बिहार की जनता 2024 में किसे चुनेगी? एकदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनेगी, तेजस्वी जी को चुनेगी, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी संविधान बहुत बड़ा अधिकार दिया है और बहुत बड़ा हर कुछ जानते हैं कि हमारा बिहार क्या था, हमारे नीतीश जी के आने से क्या हो गया, ये अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के आप अपने आप से पूछिए। ये साजिश है, ये कहीं से सही नहीं है। ये आप बिहार की सड़कों पर ही हमेशा घूमते हैं, सोना पहनकर घूमते हैं, क्या माइंड रीड कर पा रहे हैं? बिहार की जनता 2024 में किसे चुनेगी? एकदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनेगी, तेजस्वी जी को चुनेगी, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी संविधान बहुत बड़ा अधिकार दिया है और बहुत बड़ा हर कुछ जानते हैं कि हमारा बिहार क्या था, हमारे नीतीश जी के आने से क्या हो गया, ये अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के आप अपने आप से पूछिए। ये पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकासपुर क्या से क्या कर दिए हमारे बिहार को, ये पूछने वाली बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? यूथ हैं, तेजस्वी यादव की तरह बिहार के जिलों में जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या नजरिया है? हम माफ़ी चाहते हैं, बस आगे बढ़िए, कुछ आगे बढ़िए। चलिए, ये गोल्डन मैन ऑफ द बिहार थे जो कि फिलहाल हमसे बातचीत में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है वो कतई से सही नहीं है, और साल 2024 में माहौल जो है खासकर बिहार में नीतीश कुमार के लिए है, और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है महागठबंधन वही जो है वो विजय जो है वो होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।